हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। इस वीडियो को हम बात करने वाले हैं बूचर कैम 3.0 के बारे में। तो ये जो गूगल कैमरा है दोस्तों, बूचर कैम 3.0 का बिल्ट है, ये जो गूगल कैमरा है अर्नेक्स वर्सन 2.1 के ऊपर बेस कर तैयार किया गया है। तो यहाँ पर जो अर्नेक्स करके गूगल कैमरा है उसके ऊपर बेस कर तैयार किया गया है बूचर कैम 3.0। तो यहाँ पर इस वीडियो के दौरान इसी गूगल कैमरा का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के सेलेक्ट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो एज गोल कैमरा, इस गोल कैमरा को अगर आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। प्लस इस गोल कैमरे के साथ जो है पर मल्टीपल जीकैम को भी इंस्टॉल कर पाओगे, मतलब इस गोल कैमरे के साथ जो गोल कैमरा का जो नया वाला जो वर्सन है जीकैम 8.4 उसे भी इंस्टॉल कर पाओगे, काफी बढ़िया बात है। प्लस यहाँ पर पोको X3 प्रो डिवाइस के ऊपर जो ऑक्सिलरी कैमरे का सपोर्ट है ऐड किया गया है। तो अगर आपके पास पोको X3 प्रो डिवाइस है, पोको X3 प्रो के ऊपर जो है कैमरा काम कर रहा है, तो आप जो है मल्टीपल लेंस की यूज कर पाओगे, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर पोको X3 प्रो के ऊपर जो है मल्टीपल कैमरा का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा इस जीकैम के साथ। प्लस यहाँ पर कैमरा के साथ जो है ग्रीन टीन का जो इशू था उसे भी फिक्स किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। तो यहाँ पर ग्रीन टीन के रिलेटेड कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा फोटोज के साथ। प्लस यहाँ पर जो फोन इन्फो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर सेटिंग्स में से फोन इन्फो करके एक ऑप्शन है, उसे इनेबल करने के बाद जब भी आप इस गोल कैमरे को ओपन करोगे आपको जो है पर फोन का जो इन्फो है देने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो ओपी मोड है इसे भी ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर जो पोको X2 के लिए कुछ कुछ ऑप्शन काम नहीं कर रहा था उसे भी फिक्स किया गया है। प्लस यहाँ पर जो एपर्चर सेटिंग्स यहाँ पर काम कर जाएगा विदाउट सैमसंग डिवाइस। तो अगर आपके पास सैमसंग का डिवाइस है और सैमसंग का डिवाइस नहीं है, फिर भी ये जो एपर्चर सेटिंग्स से काम करेगा, एपर्चर डिवाइस जो है काम नहीं कर रहा था उसे भी फिक्स किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। एंड ये जो गोल कैमरे दोस्तों रियलमी 5 प्रो, रेडमी K20 प्रो, पोको X3 प्रो के साथ साथ हमारे पास जो पोको F1 है उसके साथ पोको X3, रेबिनोट 7, MIA2, पोको F1 ये सभी डिवाइस के साथ हमने ट्राई किया है। इवन रेबिनोट 10 प्रो डिवाइस के साथ भी इस गोल कैमरे को हमने इंस्टॉल किया था। MIUI प्लस कस्टम रोम के साथ भी ये जो जीकैम है काम कर जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी जो सेंसर यहाँ पर काम कर रहा है, अगर आपके डिवाइस पर मल्टीपल लेंसेस है तो इस जीकैम के साथ जो है मल्टीपल लेंस के साथ भी आप फोटो को क्लिक कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर इस सभी ऑप्शन से, तो इस गोल कैमरा का जो है डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिलेगा, वहां पर जाकर इस गोल कैमरा को डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। कैमरा 2 API एनेबल होना चाहिए, कैमरा 2 API के ऊपर Level 3 फुल का सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा 2 API के ऊपर Level 3 फुल का सपोर्ट है तो ये जो जीकैम काम करेगा Android 10, Android 11, Android 12, Android 13 के साथ ये जो गोल कैमरा है काम करता है। अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर जो है HDR मोड जो है बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं है, आपको अलग से सेटिंग्स में जाकर इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर जो है ऑटो APS, 24 APS, 30 APS, 60 APS का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है फुल HDR एंड 4K का जो टॉगल है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है, जो कि इस जीकैम के साथ अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर पैनोरामा, फोटो स्पा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स का ऑप्शन है। एंड पोको F1 डिवाइस को जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम नहीं करता है। एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो है ये सभी ऑप्शन है, यहाँ पर जो है फेस रिटचिंग को ऐड किया गया है। यहाँ पर HDR मोड है, HDR NS मोड भी काम करेगा। पोर्ट्रेट मोड के साथ साथ अगर बात करें पर नाइट साइड मोड के बारे में, तो यहाँ पर ऑटो एड बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर फोकस के ऊपर ऑटो, नियर, फायर, इन्फिनिटी सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। प्लस जो यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड है इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर पोको F1 डिवाइस के साथ एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड काम कर रहा है। प्लस यहाँ पर जो सोशल शेयर का ऑप्शन है ये भी काम करेगा। एंड एज जीकैम में काफी फास्ट है, बहुत ही फास्ट, आप एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन के ऊपर स्विच कर पाओगे। एंड ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन से काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ये भी काम करते हैं, नो इश्यू एट ऑल। प्लस यहाँ पर जो टाइम लैप्स मोड है ये भी काम कर जाएगा, यहाँ पर 1x, 5x, 10x ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। एंड पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पर काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस यहाँ पर जो नाइट स्लाइड मोड है ये भी काम कर जाएगा, कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर जो एस्ट्रो मोड है ये भी काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। नाउ उसके बाद बात कर लेते हैं सेटिंग्स मेनू के बारे में। यहाँ पर जो है मॉडल बैक कैमरा का ऑप्शन, तो यहाँ पर जो है फ्रंट कैमरा बैक कैमरा के ऊपर जो है अलग अलग पिक्सल डिवाइस का जो मॉडल आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो है पिक्सल 4A XL का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर अलग अलग पिक्सल डिवाइस का जो मॉडल है सिलेक्ट कर पाओगे इस जीकैम के साथ। यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो है डिजेबल पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन है, डिजेबल पोर्ट्रेट मोड जो जूम होता है पोर्ट्रेट मोड के ऊपर उसे अगर आप चाहो तो डिजेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो जूम है उसे डिजेबल करने के लिए ऑप्शन को ऐड किया गया है इस जीकैम के साथ। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो है लैग फिक्स का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस जो ग्रीन टीन का इशू था उसे भी फिक्स करने के लिए जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर डिसेबल हेक्सागन DSP का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, एंड ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है।
अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है सिंपली यहाँ पर। अगर आपके डिवाइस के ऊपर 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल का कैमरा है तो आप सिंपली इस जीएम को यूज करके जो है 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल के साथ जो है फोटो को क्लिक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस जीकेएम के साथ। एंड यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो है एक्सपोजर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा प्लस टेलीफोटो लेंस, माइक्रो लेंस के साथ ये जो ऑप्शन से काम करेगा। इवन जो है यहाँ पर वाइड एंगल लेंस के साथ भी ये जो ऑप्शन से काम करता है। एंड एक्सपोजर के ऊपर जो है ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो है ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है ऑक्सिलरी कैमरा का ऑप्शन है, तो यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो है मल्टीपल लेंस की यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो है टेलीफोटो लेंस प्लस माइक्रो लेंस एंड वाइड एंगल लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर टेलीफोटो लेंस है, वाइड एंगल लेंस है, माइक्रो लेंस है, इसे आप यूज कर सकते हो। रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ हमने इस ऑप्शन को यूज किया है, ये जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है, मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाएगा, मल्टीपल लेंस का जो फीचर से यहाँ पर ऐड किया गया है इस जीकेएम के साथ। यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो है लिप पेजर का ऑप्शन है, बेसिकली लिप पेजर के साथ जो है फोटो का जो क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर जो है मैनुअल कंट्रोल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, अलग अलग लेंस के ऊपर जो है अलग अलग ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। पर बैक कैमरा, टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस के ऊपर अलग अलग ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर लिप पेचर का जो ऑप्शन से काम करेगा। एंड लिप पेचर के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन है, सैचुरेशन का ऑप्शन है, नॉइस का ऑप्शन है, लूमा, क्रोमा, ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। बेसिकली लिप पेचर के साथ जो है फोटो का जो क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, आप सिंपली यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करके आप जो है सिंपली वाइड एंगल लेंस की यूज कर सकते हो, माइक्रो लेंस की यूज कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर सेफ लोकेशन का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर जो है शो फोन इन्फो ऑन सेटअप इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। कैमरा का साउंड का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस ओपी मोड का ऑप्शन है, गोल लेंस का जो सजेशन है ऐड किया गया है, फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, सेफ सेल्फी सेल्स प्रीव्यू जो मिरर फोटोज का ऑप्शन है वो भी काम करता है। ग्रिड टाइप के ऊपर 3x3, 4x4 का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, इसे भी आप चेकआउट करके देख सकते हो। प्लस डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, अगर आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड को एनेबल कर गए तो आपको यहाँ पर जीकेएम के साथ कोई भी नोटिफिकेशन देने को नहीं मिलेगा जब भी आप जीकेएम के साथ कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड कर गए तो। एंड यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स इसे भी ऐड किया गया है। एडवांस के ऊपर एचडीआर कंट्रोल का ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट जो है एचडीआर कंट्रोल इनेबल नहीं रहता है। प्लस रॉ फोटोज का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, बाय डिफॉल्ट ये सभी ऑप्शन से इनेबल नहीं रहता है। प्लस यहाँ पर 12 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल का जो बटन है इसे भी ऐड किया गया है। ये जो ऑप्शन इसे यूज करने के लिए आपके फोन के ऊपर जो है मैजिक्स इंस्टॉल होना चाहिए। प्लस यहाँ पर स्विच अपर्चर टू f/2.4 का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। अपर्चर बटन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस जीकेएम के साथ। तो कुछ इस तरह से जो फोन इन्फो का जो ऑप्शन से काम करते हैं। प्लस यहाँ पर जो अपर्चर बटन देने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पर 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन से देने को मिल जाएगा। तो आप इस जीकेएम के साथ जो है 48 मेगापिक्सल के साथ भी फोटो क्लिक कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस जो अपर्चर मोड है, अपर्चर बटन है, इसे भी ऐड किया गया है, इसे भी आप चेकआउट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस गोल कैमरा की यूज करके। जब सिंपली 4K के साथ जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। 4K टाइम लैप्स का ऑप्शन है, वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो OIS का सपोर्ट है इसे भी ऐड किया गया है इस जीकेएम के साथ जो है OIS का जो ऑप्शन है भी काम करता है। एंड यहाँ पर बिटरेट का ऑप्शन है, 100 Mbps तक जो है वीडियो के ऊपर जो बिटरेट है भैया से सिलेक्ट कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है इस गूगल कैमरे के ऊपर। तो यहाँ पर जो कुछ इस तरह से जो फोन इन्फो का जो ऑप्शन से काम करता है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी काम कर जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड बहुत ही फास्ट आप जो यहाँ पर फोटो को इस तरह से क्लिक कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो सोशल शेयर का जो ऑप्शन है ये भी काम करता है, इसे भी आप चेकआउट करके देख सकते हो। प्लस यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है, अगर आपका डिवाइस 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं तो इस जीकेएम के साथ जो है 4K के साथ जो है यहाँ पर 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS के साथ जो है 4K के साथ जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। एंड यहाँ पर 4K टाइम लैप्स का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, तो यहाँ पर 4K टाइम लैप्स का जो ऑप्शन है ये भी काम करता है। पैनोरामा की अगर बात करें तो यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो है पैनोरामा का ऑप्शन से ये भी काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं फोटो एक्सपायर मोड के बारे में। तो ये जो ऑप्शन से काफी बढ़िया है, इस ऑप्शन के साथ आप सिंपली 360 फोटो को क्लिक कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर ये जो फोटो एक्सपायर मोड है काफी बढ़िया है, इसे भी आप यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये जो गूगल कैमरा दोस्तों जीकेएम 7.3 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, काफी बढ़िया बात है।
इस गोल कैमरा का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिलेगा, वहां पर जाके इस गोल कैमरा को डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। प्लस इस जीकेएम के साथ जो है मल्टीपल जो गोल कैमरा का इंस्टॉल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, मतलब इस गोल कैमरा के साथ जो आप एक ही डिवाइस पर और एक गोल कैमरा को और दूसरा कोई गोल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है इस गोल कैमरा के साथ जो है मल्टीपल गोल कैमरा इंस्टॉल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो अगर आप चाहो तो इस गोल कैमरा के साथ जो है नया वाला जो जीकेएम 8.4 का जो बिल्ड है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। गोल कैमरा 8.4 के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है, आप सिंपली गोल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो जीकेएम है तो एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 के साथ भी काम करेगा। यहाँ पर शाओमी, रेडमी, पोको, वन प्लस, सैमसंग डिवाइस के साथ भी ये जो जीकेएम है काम कर सकता है। यहाँ पर जो है रियलमी एंड रेडमी एंड पोको डिवाइस पर काम करेगा फॉर श्योर। यहाँ पर ऑफकोर्स आपके डिवाइस को और कैमरा टेप पे इनेबल होना चाहिए, कैमरा टेप पे एक ऊपर लेवल 3 फुल का सपोर्ट होना चाहिए, तभी दोस्तों ये जो जीकेएम काम करेगा वरना काम नहीं करेगा। एंड यहाँ पर मीडियाटेक एंड एक्सिनोस डिवाइस को और काम करेगा नहीं, आई डोंट नो, बट अगर आप चाहो तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपके फोन के ऊपर जो है मीडियाटेक और एक्सिनोस का प्रोसेसर है तो इस जीकेएम को एक बार इंस्टॉल करके देखो। अगर आपके डिवाइस को काम कर जा रहा है तो आप जरूर से कमेंट करके बोल दीजिएगा कौन सा डिवाइस है आपके पास। एंड यहाँ पर जो है स्नैपड्रैगन डिवाइस के ऊपर ये जो जीकेएम काफी बढ़िया काम कर रहा है। हमने यहाँ पर जो है पोको फोन डिवाइस के ऊपर एंड्रॉइड 12 को इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 के साथ ये जो गोल कैमरा 7.3 का जो बिल्ड है, जो बूचर कैम 3.0 का जो बिल्ड है, यहाँ पर काम कर जा रहा है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी इश्यू हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन यहाँ पर काम करेगा। एंड यहाँ पर जो है ऑक्सिलरी कैमरा का जो सपोर्ट है इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। प्लस यहाँ पर जो ग्रीन टिंट का इशू था उसे भी फिक्स किया गया है। एंड यहाँ पर अगर आपके डिवाइस को मल्टीपल लेंस है तो इस जीकेएम की यूज करके जो है मल्टीपल लेंस के साथ भी फोटो को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है नाइट मोड काम करता है, पोर्ट्रेट मोड काम करता है। यहाँ पर कैमरे के ऊपर जो है HDR मोड का ऑप्शन है, HDR NS मोड को ऐड किया गया है। प्लस रॉ फोटोज का ऑप्शन है, रॉ फोटोज का ऑप्शन भी काम करेगा। यहाँ पर 4K टाइम लैप्स का ऑप्शन है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। अगर आपके डिवाइस पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है सपोर्ट है तो इस जीकेएम के साथ जो है 4K के साथ भी आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर पैनोरामा, फोटो एक्सपर, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन यहाँ पर काम कर जाएगा। डेफिनेटली जो नया वाला जो गोल कैमरा है एंड ए वाला जो जीकेएम 7.3 का जो बिल्ड है ऑलमोस्ट सिमिलर आपको जो है पर फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। फोटो क्वालिटी के साथ जो है यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके डिवाइस को नया वाला गोल कैमरा काम नहीं कर रहा तो इस जीकेएम को डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड ये जो गोल कैमरा बूचर कैम 3.0 का बिल्ड है आप डेफिनेटली आपके फोन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। एंड गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप डिफरेंट जो गूगल कैमरा का जो वर्सन है उसे इंस्टॉल करके देखो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।